सभी गुरुजनों को प्रणाम। यदि आप सरल ऐप में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या सरल ऐप पर सभी बच्चे नहीं दिख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से सरल ऐप को हम डाउनलोड कर लेंगे। यदि सरल ऐप पहले से ही डाउनलोड है तो उसे अनइंस्टॉल कर दें और दोबारा इंस्टॉल कर दें। यदि आपने शासन से भेजे गए लिंक या APK फाइल से ऐप को डाउनलोड किया है लेकिन आप ऐप में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या लॉगिन हो गया है लेकिन बच्चे नहीं दिख रहे हैं तो भी आप ऐप को अनइंस्टॉल कर दें और प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करें। सरल ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप ऐप को खोलें। ऐप में लॉगिन करने के लिए लॉगिन आईडी में अपना MDM में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें और पासवर्ड में अपना यही मोबाइल नंबर डालें, अन्य कुछ नहीं पड़ेगा इसमें। यदि और कुछ डालेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। लॉगिन करने के बाद असेसमेंट्स पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट पर क्लिक करने के बाद क्लास को सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन में हमें कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, हिंदी और मैथमेटिक्स को सेलेक्ट करेंगे। पेपर सेट में कुछ नहीं करना और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके क्लास में जितने बच्चे नामांकित हैं, जितने बच्चे प्रेरणा पोर्टल पर फीड हैं, वो सब आपको यहाँ पर दिखेंगे, जिसमें बच्चे का नाम, उनके पिता का नाम और यूनिक आईडी। यदि आपके कक्षाओं के कम बच्चे दिख रहे हैं या दिख ही नहीं रहे हैं तो सीधे हाथ की तरफ तीन डॉट तीन बिंदी दिख रही हैं, इन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद क्लियर यूजर केस पर क्लिक करेंगे। ऐप को बंद कर दोबारा खोलें, सारे बच्चे अपडेट हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम अन क्लास के बच्चों को भी जांच लेंगे। क्लास को सेलेक्ट करें, सेक्शन में हमें कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट पर क्लिक करें। सब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद हिंदी एंड मैथमेटिक्स को सेलेक्ट करेंगे और पेपर सेट में कुछ नहीं करना है और सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद क्लास के सभी स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी, जिसमें बच्चे का नाम, पिता का नाम और यूनिक आईडी। सभी को जांच लें आप। इस तरीके से हम प्रत्येक क्लास के बच्चों की डिटेल बारी बारी से चेक कर सकते हैं। और यदि किसी क्लास में बच्चे कम हैं तो पहले जो बताया जा चुका है कि ऊपर जो तीन बिंदियां दी गई हैं सीधे हाथ पे, इस पर हम जाएंगे और क्लियर कैचेस इस पर हम क्लिक कर देंगे। कुछ देर बाद बच्चे हमारे अपडेट हो जाएंगे। यदि सरल ऐप इंस्टॉल करने के बाद भी लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए जनपद या ब्लॉक टेक्निकल टीम या विद्या समीक्षा केंद्र हेल्पलाइन नंबर 0522 3538 777 पर संपर्क करें। धन्यवाद।